चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ हाउ टू सॉल्व द डिटेक्टिंग प्रॉब्लम इन योर हार्ड डिस्क। कभी कभार क्या होता है कि ये जो प्लेट लगी हुई है इसके नीचे जो पिन होती है उन पर कार्बन आ जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होती है सही होने के बावजूद। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है, और काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता कि हम उसको ठीक कर पाएँ। लेकिन इस केस में हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम इस प्लेट को खोलेंगे। ये देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ये देखिए इस तरीके से हम सारे स्क्रूज के खोल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने स्क्रू निकाल लिए हैं इसके। ये प्लेट नज़र आ रही है आपको, ये देखिए इस पे कार्बन आया हुआ है, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो नज़र आ रहा है आपको, और ये इधर की तरफ यहाँ पे पिन दी हुई है जिससे हार्ड डिस्क डिटेक्ट होती है हमारी। ये देखिए, तो आज हम इन पिन को साफ़ करेंगे। और ये देखिए हमारी हार्ड डिस्क की, तो इसको हम एक रिजर लेंगे, उसके उसके हेल्प से हम इसको साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। ये देखिए, इसको ज़्यादा फोर्सफुली क्लीन ना करें, क्योंकि ज़्यादा फोर्सफुली क्लीन करने से यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट लगे हुए हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो आप इसको क्लीन करके आराम से देखिए हमारी हार्ड डिस्क है। आप इसको क्लीन करके इस पे वापस लगा दें इस तरीके से। इसमें स्क्रू लगा दें वापस इसमें। इस तरीके से सारे स्क्रू लगा दीजिए इसमें। उसके बाद इसको हम चेक करके देखेंगे। देखिए हमने लगा दिया है। अब इस हार्ड डिस्क को हम अपने सिस्टम में लाएंगे और चेक करेंगे कि डिटेक्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ये देखिए हार्ड डिस्क ला रहे हैं हम अपने सिस्टम में। इस तरीके से इसके बाद हम इसको चला के देखेंगे। ये देखिए सिस्टम को हमने ये ऑन कर दिया। ये देखिए सिस्टम को ऑन कर दिया है।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट हो गई। अगर इस तरीके की आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू दोस्तों।